ऐसा एक आत्मीयता का भाव रहता है, वही भाव आपस में व्यवहार में बंधुभाव के रूप में प्रकट होता है। उस बंधुभाव का हम स्मरण करें, भारतवर्ष के जन की ताकत अपरंपार है, वो कभी भी कम नहीं थी, वो वैसी की वैसी बनी है, और उसके बल पर जब वो जागता है तो अनेक चमत्कार दुनिया में करता है, जैसा आज कर रहा है। ऐसा भारतवर्ष आएगा, ऐसा भारतवर्ष उठेगा, ये अगर 40 साल पहले हम कहते तो अपने ही लोग हमारी खिल्ली उड़ाते, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति हमेशा थी, परंतु वो परिणामकारक तब होती है जब हम बंधुभाव की सामूहिकता में बंधे जाते हैं। ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। मेरे सारे सामर्थ्य का उपयोग मुझे सबके लिए करना है, क्योंकि सब मेरे अपने हैं, दिखते विविध है, लेकिन हमारे देश में तो परंपरा है सारी विविधता का स्वीकार करने की। हम विविधता को अलगाव नहीं मानते। इस प्रकार बंधुभाव के साथ देश के लिए सब लोग मिलकर उद्यम करेंगे, संविधान के अनुशासन का पालन करेंगे, उसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देंगे, उसके भाव को ध्यान में रखकर उसका उचित उपयोग करेंगे, तो राष्ट्र उस उत्कर्ष की ओर जाएगा। ये करने के लिए हम लोगों में समर्पण का भाव चाहिए। मेरा